नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड रेशियो बाई मास. नेक्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. ये लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि कोई भी कंपाउंड चाहे किसी भी मेथड से बनाया गया हो, कहीं से भी ऑब्टेंड किया गया हो, वह जिन एलिमेंट से मिलकर बना होता है यानी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, वे हमेशा उस कंपाउंड में फिक्स्ड रेशियो बाय मास कंबाइन रहते हैं या मौजूद रहते हैं. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन एक्सप्लेन करता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड चाहे किसी भी मेथड से बनाया गया हो, चाहे कहीं से भी ऑब्टेंड किया गया हो, उसके कंपोनेंट एलिमेंट्स यानी जिनसे मिलकर वो कंपाउंड बना होता है, वो हमेशा फिक्स रेशियो बाय मास में कंबाइन रहते हैं यानी मास के फिक्स रेशियो में वो मौजूद रहते हैं. एग्जांपल देखिए, वाटर को हम कहीं से भी ऑब्टेंड कर लें, आइदर वी कैन गेट वाटर फ्रॉम वेल आर रिवर आर एनी सोर्स, वी फाइंड दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास. कहने का मतलब ये है कि अगर हम वाटर को कहीं से भी ऑब्टेन कर लें, चाहे रिवर से, चाहे टैप वाटर ले लें, तो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो चेक करेंगे तो उसमें हमको जो रेशियो मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वह वन इज टू एट होगा. वाटर को हम कहीं से भी ऑब्टेन कर लें, चाहे रिवर से ऑब्टेन कर लें, चाहे वेल से ऑब्टेन कर लें, चाहे टैप वाटर यूज कर लें, तो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फाइंड करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 मिलेगा. इसको हम चेक करते हैं. हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है वन एटम का, और ऑक्सीजन के वन एटम का मास 16 ग्राम होता है. तो टू हाइड्रोजन एटम का मास 2 ग्राम होगा और ऑक्सीजन के वन एटम का मास 16 ग्राम होगा. रेशियो फाइंड करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 1 2 2 8 16. तो इस तरह से जो रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का, वह 1:8 होगा. इसी को ये लॉ एक्सप्लेन करता है. नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का. यहाँ कार्बन का मास 12 ग्राम हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम होगा. अगर हम रेशियो बाय मास फाइंड करेंगे तो इसको कट करेंगे, 4 3 12 4 8 32. तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वह 3:8 होता है. ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 3 ग्राम मास जब ऑक्सीजन के 1 ग्राम मास से कंबाइन करता है तभी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. मींस कार्बन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो है वह 3:8 है. इसी तरह से वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो है 1:8 है. इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन जब 1 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो वाटर का फॉर्मेशन होगा. इन द सेम वे व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज कंबाइंड विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड. दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास.